नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। मैं हूं कमल वर्मा, लखनऊ से स्वागत करता हूं आप सभी का तहे दिल से। आपने हमारा थंबनेल देखा होगा कि आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे गिनती से थपकी पैटर्न। अभी जो मैं बजा रहा था यही थपकी पैटर्न मैं आपको सिखाऊंगा, और ये गिनती से मैं सिखाऊंगा। बहुत ही सरल और आसान है, ये सबके लिए है, बच्चे, जवान, बूढ़े, महिलाएं, सभी के लिए है। और ये ऐसी थपकी है कि यह सभी भजनों में, सभी भजनों का मतलब है ये कहरवा ताल की थपकी है, ताल कहरवा की थपकी है। तो जितने भी कहरवा ताल के भजन और गाने हैं सभी में ये जो है थपकी पैटर्न बजेगी। बहुत ही आसान और सरल है, आप लोग अपनी नज़रों को जमाए रखिएगा। और हाँ, चैनल पे अगर भाई आप पहली बार आए हों तो हर बार की तरह इस बार भी हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी हमारी अच्छी अच्छी वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम सीखेंगे गिनती से, एक से लगाकर आठ गिनती है इसमें, आठ। और आठों गिनती को अगर आपने समझ लिया, ठीक प्रकार से अगर सीख लिया, तो मैं वादा करता हूँ तो इस पैटर्न को, इस थपकी को आप बजाने लगेंगे। मैं एक ही गिनती आराम से बताऊँगा। देखिए, थपकी का मतलब है थपकी, ये एकदम चिपक के आए, इसकी आवाज़ आनी चाहिए, ये हाथ का पोजीशन रहेगा, ऐसे तीन उंगली से थपकी बजाना है हमें। और थपकी यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है, यहाँ से ये इतनी किनारे, जो फिंगर्स की किनार है वो हमें यहाँ पे सेंटर में बिल्कुल चिपकाना है, ये एकदम चक से आवाज़ आए, ये ठीक है। तो पहली गिनती पे हमें बजाना है थपकी और खुला बेस, एक एक, ठीक है। इधर क्या हो गया, थपकी और इधर खुला बेस, दोनों को साथ साथ बजाना है। एक गिनती हो गई, एक, इधर खुला बेस रहेगा एक, उसके बाद में दो, दो पे केवल खुला बेस है, दो, ठीक, एक दो। और तीन, तीन पे हमें पहली उंगली से चाटी बजाना है, तीन तीन। और चार, चार पे क्या करना है, दो उंगली से बजाना है चार, और चार के साथ में इधर हम बीच में लगाएंगे थपाक, हाथ को पट करेंगे ऐसे, चार के साथ में चार। फिर से देखिए, एक दो तीन चार, बेस वाला भी हाथ दिखा दें आपको, एक, एक पे हमारी थपकी हो गई और खुला बेस हो गया, एक, फिर दो, दो पे पर, दो पर भी खुला बेस है, एक दो तीन, तीन पर हमारी चाटी है इंडेक्स फिंगर से, तीन और चार, चार पे थपकी हो गई, एक दो तीन चार, अलग अलग गिनती में बता रहा हूँ। अब पांचवी गिनती कैसे बजानी है, फिर थापी लगाना है, पांच पांच, ये पांच गिनती एकदम सिंगल बजेगी, एकदम सिंगल, बेस नहीं बजेगा। ये हो गई पांचवी गिनती, और फिर छः, छः पर क्या करना है, खुला बेस बजाना है, पांच छः। और सात, सात, सात पे क्या करना है, पहली उंगली और खुला बेस दोनों को साथ साथ में, सात आठ। हमें पता है कि आपको दूसरी लाइन समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, अभी मैं बैठा हूँ। फिर से देखिए, एक गिनती से देखते हैं आराम से, दिमाग में इसको फिट करना है। जब तक इसको आप समझेंगे नहीं, दिमाग में इसको आप लोड नहीं करेंगे, तब तक नहीं बजा पाएंगे, ज़रूरी है। एक से लगाकर आठ गिनती हमें बजानी है और हर एक गिनती समझनी है। एक गिनती कैसे बजानी है, एक, देखो आप हमसे ऐसे सीखिए जैसे हम आपको फेस टू फेस सिखा रहे हों। आप भी मेरे साथ में ढोलक लेकर बैठ जाइएगा और
जैसे जैसे मैं सिखाता जाऊं वैसे वैसे आप सीखते जाइएगा। एक ही गिनती मेरे साथ में बजाइए, मैं इतना फास्ट नहीं सिखाता हूं, आराम से सिखाता हूं। एक गिनती बजाने के लिए बीच में थपाक लगाएंगे और इधर खुला बेस दोनों को साथ साथ में, एक उसके बाद में दो, दो पर खुला बेस, फिर तीन, तीन पर इंडेक्स फिंगर, तीन और चार, चार पे टू फिंगर और थपाक, बीच में दोनों को साथ साथ में लगाना है, चार, चार गिनती हो गई। फिर से देखो, एक दो तीन चार, ठीक है। अब पांचवी गिनती पे क्या करना है, पांच, केवल सिंगल थपाक लगानी है, पांच। उसके बाद में छः, छः अलग बजेगा केवल खुला बेस, छः। और सात पे क्या करना है कि खुला बेस और इंडेक्स फिंगर, सात, और आठ खाली है बस। कहीं इसमें कोई कोई गिनती ऐसी हैं जो अलग अलग बज रही हैं, कोई कोई गिनती दोनों साथ में बज रही हैं, जैसे एक गिनती दोनों हाथ साथ में पढ़ रहे हैं एक गिनती पे, और दो, अब देखो दो गिनती एकदम अलग बज रही है अपना सिंगल, दो, एक दो और तीन भी अलग बज रही है अपना अलग, तीन और चार हमें साथ साथ बजाना है, दोनों हाथ इसमें लग रहे हैं, चार में, चार में दोनों हाथ लगाना है, चार। उसके बाद में पाँच, पाँच पे केवल अलग बजाना है सिंगल, पाँच, और छः, छः एकदम अलग बज रहा है सिंगल, और सात पे दोनों हाथ लग रहे हैं, सात, और आठ पे अलग बज रहा है सिंगल। तो कोई कोई ऐसी गिनती हैं कि अलग अलग बज रही हैं, और कोई कोई ऐसी गिनती हैं कि दोनों हाथ साथ में पड़ रहे हैं। तो बस यही हाथों का मैचिंग है, ये मैचिंग आपने मिला लिया, कर लिया, तो भगवान कसम ये थपकी बहुत ज़बरदस्त बजेगी। ये बजेगी चल करके। अब देखो मैं धीरे धीरे इन गिनतियों को फास्ट कर रहा हूँ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। अच्छा एक बार बेस की साइड में आपको दिखा दें, पता नहीं आपको समझ में आया कि नहीं हमारा सिखाना, वैसे तो शायद हमारा सिखाना ही कुछ लोगों के समझ में ना आए, वरना ऐसा तो नहीं है, कई ढेर सारे कमेंटें आती रहती हैं, फ़ोन भी आते रहते हैं। और हाँ, अगर आपको ऑनलाइन क्लास लेना हो हमसे, मतलब ऑनलाइन सीखना हो, तो मैं ऑनलाइन क्लास भी देता हूँ यहाँ लखनऊ से, और जो लोग लखनऊ के हैं वो हमसे ऑफलाइन भी सीख सकते हैं, और जो बाहर से हैं वो ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। हफ्ते में दो क्लास चलती हैं यहाँ पे, हफ्ते में दो बार क्लास मैं देता हूँ, एक घंटा टाइम रहता है, तो आप सीख सकते हैं पर्सनल, ठीक है। अब देखो बेस के साइड में, ये बेस हो गया, एक गिनती, एक, एक पे थापी और खुला बेस, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ठीक है। आप देखो कमाल इसका, एक दो तीन चार, हाँ अभी धीरे धीरे करते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, होती है दिल बरों की इनायत कभी कभी, न सर झुका के जियो और न सर छुपा के जियो। अब धीरे धीरे हम इसको फास्ट करते रहते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो, आज का लेसन, आपको कैसा लगा आई डोंट नो, जैसा भी लगा होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करें। हाँ, और अगर आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो हमें आप कॉल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, साइड में हमारा नंबर भी आ रहा है,
बस ये है रात के 11 बजे के बाद आप लोग फ़ोन ना करें बस। कोई कोई तो ऐसे हैं कि रात में 2-2 बजे फ़ोन लगा देते हैं, 2:30 बजे फ़ोन लगा देते हैं। अरे आप जगते हैं, हम थोड़ी ना जगते हैं। तो इसीलिए 11 बजे के बाद फ़ोन ना लगाएं, और भी किसी टाइम आप लगा सकते हैं। मैं तुरंत आपका फ़ोन रिसीव करूँगा, तुरंत आपका SMS देखूँगा। तो चलिए आप प्रैक्टिस कीजिए, रियाज करिए, फिर आप देखते हैं कैसा आप बजा पा रहे हैं। फिर मिलूंगा मैं किसी नई वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।